हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक एक्सट्रीमली हेल्दी रेसिपी जिसका नाम है मखाने की खीर। व्रत के लिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है ही है, साथ ही साथ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और आप मीठे के शौकीन हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मखाने में कैलोरीज बहुत कम होती हैं और यहाँ पे जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ उसमें मैंने चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, तो आप कह सकते हैं कि एक गिल्ट फ्री ऑप्शन है वेट लॉस जर्नी में खाने के लिए। और साथ ही साथ मखाने के बहुत सारे फायदे होते हैं तो ये एक्सट्रीमली हेल्दी भी होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए फटाफट देखते हैं मखाने की खीर की रेसिपी। मखाने की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए मखाना 2 कप, घी 1 बड़ा चम्मच, शक्कर 1/2 कप, आप यहाँ पर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, दूध लिया है मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर। मखाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम मखाने को घी में भून लेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है। अब उसमें मैं ये 1 बड़े चम्मच घी का डाल दूंगी। घी यहाँ पे गर्म हो गया है, अब ये मखाने मैं इसके अंदर डाल दूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैं मखाने को घी में भून लूँगी। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मखाने भून के बिल्कुल रेडी हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें से आधे मखाने को मिक्सी में डाल के थोड़ा दरदरा पीस लूँगी 1-2 सेकंड के लिए। उससे क्या होगा कि जब हम पिसा हुआ मखाना खीर के अंदर डालेंगे तो खीर तुरंत गाढ़ी हो जाएगी और उसका टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने मखाने को मिक्सी में पीस लिया है 1 से 2 सेकंड के लिए। देखिए, मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा दरदरा ही रखा है इसको। अब जो यहाँ पे कढ़ाई में मखाने मैंने बचा के रखे थे उसके अंदर मैं ये दूध डाल दूंगी। और इन मखानों को इस दूध में पकने देंगे। यहाँ पे दूध में उबाल आ चुका है, अब इसमें जो ये पीस के मखाने रखे थे मैंने वो भी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बीच बीच में हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे और दूध को गाढ़ा होने देंगे। ये देखिए, दूध अब गाढ़ा हो चुका है, खीर हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसके अंदर हम ये शक्कर मिला देंगे। यहाँ पे मैंने इस खीर में शक्कर का यूज़ किया है। शक्कर जो होती है वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिंक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको शक्कर नहीं पसंद हो तो आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मखाना तो अपने आप में सुपर फूड है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है। ये कैलोरीज में भी बहुत कम होता है जिससे कि हमारे वेट लॉस में हेल्प होती है। तो व्रत के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसे बना के व्रत में ज़रूर खा सकते हैं। खीर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, अब इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए, अब हमारी मखाने की खीर बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे गार्निश किया है कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपकी लाइफ में हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ ऐड कर पाऊँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करते होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।